आज हम बात करेंगे एरिक ट्रंप की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेंपल, और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। आपने देखा होगा कि मुसलमान जो हैं, जब कोई नॉन मुस्लिम को बोला इनको अच्छा लगे, अच्छे करैक्टर वाला, तो उसको जाके फौरन कहेंगे आप कलमा पढ़ लें, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। इसकी इसकी साइकोलॉजी देखें, हर मुसलमान समझता है कि नॉन मुस्लिम तो अच्छा हो ही नहीं सकता, नॉन मुस्लिम बुरा होता है। आप इस माइंडसेट, ये माइंडसेट तो एक नौजवान का नहीं है, ये 1.5 अरब मुसलमानों का है। हर जगह आप देखें 2024 में, छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसी हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। और अगर आप वो अच्छाई इनमें ढूंढने निकलेंगे तो आपका माशाल्लाह दुनिया में कोई अच्छा करैक्टर वाला बंदा नहीं मिलेगा। इनकी अपनी सोसाइटी, इनके अपने माशरे में, इनके अपने लोगों में जो दूसरों को कलमा पढ़ाने जाते हैं। और ये चंद मुसलमानों की नहीं है, मैं कहूंगा कि ये यूनिवर्सल है, ग्लोबली ये माइंडसेट है इनका, ये इनकी बेसिक्स है जो आज मैंने बयान की है। हर मुस्लिम माइंडसेट में ये चीजें मौजूद हैं और वो फिर पीछा नहीं। और सुपर पावर तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के दम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब ये एरिक ट्रंप टेम्पल क्यों जाते हैं, हिंदुओं से क्यों बात करते हैं, और इनके फादर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई लव हिंदू एंड आई लव इंडिया, और फिर कहते हैं कि इंडिया एंड मोदी बोथ आर सिग्निफिकेंट। हमने तो आज से पहले अमेरिका में ये नज़ारे तो कभी नहीं देखे। दोस्तों, ये फर्क हुआ है मोदी जी के आने से, पूरी दुनिया ने सनातन का डंका बजा, आप देख लीजिए पूरी दुनिया आज हिंदुओं की पूजा कर रही है। दोस्तों, हमारे मंदिरों में जा रही है, हमारे देवी देवताओं को पूजा जा रहा है। कल तक जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था, आज पूरी दुनिया उस बारे में बात कर रही है। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि जैसे जैसे हिंदुओं के बारे में बातें निकल के आ रही है ना, उनकी अच्छाइयाँ, उनके सब कुछ, वैसे वैसे पाकिस्तान की बुराइयां भी अब दुनिया के सामने आ रही है, इस्लाम की बुराइयां सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया भी इस्लाम को समझने लग गई है। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बहुत तेजी से लोग इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। आने वाले दिनों के अंदर आपको इस्लाम बहुत जल्दी से खत्म होता नजर आएगा दोस्तों। और सनातन पूरी दुनिया में फैल रहा है, सनातन का राज है दोस्तों, और बहुत तेजी से आने वाले दिनों के अंदर आपको सनातन पूरी दुनिया के अंदर राज करते मिलेंगे। वैसे भी अब हम राज कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन और अच्छे होंगे, ये मोदी जी का प्रॉमिस है। और ये मोदी जी अपना वादा पूरा करते ही हैं, आप जानते ही हैं। आप भी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जस्ट 1% है, और अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव होते हैं उसका 6% हिंदूज देते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का 6 गुना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर या टैक्सेस के अंदर। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्टीमेटली ये लोग वो हैं जो अपनी जो नॉर्मली वेल्दी मिले, और क्योंकि ये वोकल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने पर भी ग्राउंड लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी को अगर आप देखते हैं तो यहां पर हिंदूज का एक कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग है। उस स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन को अगर इस टाइम पर देखेंगे तो दुनिया में हिंदू इस टाइम पर विक्टिम भी है। आप कनाडा में देखेंगे तो दिवाली वाले दिन कनाडा में हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दी गई। अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश में दिवाली वाले दिन हिंदुओं को आर्मी ने घरों में घुस के मारा। तो इस चीज का पूरी दुनिया पर एक असर है कि अल्टीमेटली भाई ये लोग मेहनती भी हैं, पैसे वाले भी हैं। बांग्लादेश में भी जो हिंदू है उनका भी कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली आम पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। अगर यही हिंदू पाकिस्तान में होता और कुछ ना करें, आप 50 मारवाड़ियों को अपने यहाँ बुला लें और कहें कि भैया तुम बिजनेस करो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 50 मारवाड़ी और गुजराती जो हैं आपके पाकिस्तान का कर्जा अगले 10 साल में उतार के आपको अमीर बना देंगे। लेकिन वही है ना कि क्योंकि हम हिंदू हैं
और आपकी रिलीजन के अंदर इनको काफिर और वाजिबुल कत्ल और न जाने क्या क्या बताया गया है। और ठीक है, फिर ऑब्वियस सी बात है, अब जो तालियां बज रही हैं वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हमने पूरी दुनिया में पिछले 2000 साल में या कम से कम पिछले 1500 साल में किया क्या है वो दुनिया को समझ में आ रहा है। हमारी जिस आइडियोलॉजी को चाहे इस्लाम में चाहे क्रिश्चियनिटी में गलत बताया, चाहे मॉडर्न डे आइडियोलॉजी में गलत बताया, वो आज के दिन सही प्रूव हो रही है। मुसलमानों में आपने देखा होगा कि इन्हें एक सुपीरियरिटी एक कॉम्प्लेक्स है अपने मजहब और दीन के बारे में, ठीक है, और वही इन्हें चैन से बैठने नहीं देता। और प्रैक्टिकली 90% मुस्लिम मुआशरा अपनी बेटियों बहनों को वो आधी मलकियत भी आधी विरासत भी नहीं देता, 90% औरत की गवाही आधी है। औरत को आप मार सकते हैं, बच्चों को आप मार सकते हैं, मारने की इजाजत है बच्चे को मारने की। अब आप आज का मुआशरा आज की सिविलाइजेशन देखें, मॉडर्न सोसाइटियां देखें, माँ बाप भी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। आप किसी कोई दूसरा बच्चा बच्चे को टच नहीं कर सकता, सख्त किस्म का क्राइम है। हमारे यहां आप बच्चे को कहा गया कि अगर नमाज नहीं पढ़ता बच्चे को मारो। हमारे मदरसों में मुसलमानों के जहां कहीं मदरसे होंगे वहां बच्चों को मारा जाता है, उनको फिजिकल अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज वो होते हैं। कभी किसी आलम दीन ने कभी किसी मौलवी ने आवाज नहीं उठाई। फिर रेप इस्लाम के अंदर रेप का जुर्म ही कोई नहीं है, कोई कंसेप्ट ही कोई नहीं है। जना का है रेप का नहीं है, और रेप होती है। कहा जाता है कि वो चार मोमन नहायत नेक पाक चार बंदे गवाह लेकर आए, आप अंदाजा लगाइए होया रेप है, तो चार नेक बंदे जो हैं जिनके सामने हुआ हो तब जाके वो होगा। वरना क्या औरत को रेप वाली औरत को कहा गया कि जाओ अपने घर जाओ सीधी करवा के, ये हमारे एक आलम दीन ने कहा था पाकिस्तान में। अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना और कुछ, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि पूरे मतलब जितने भी वहां पर यूथ पढ़ लिख के निकल रहा है वो टोटल 25% ही ऐसा है जो ग्रेजुएट करता है। वहीं इंडियंस के अंदर 60-65-70% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं। तो अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं कि अमेरिका, और यही एक रीजन है कि अमेरिका की जो यूथ है वो टोटल यूथ का 25-30% 36% तक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई नहीं गई। वहीं अगर एक हिंदू बच्चा जो है नॉर्मली कहीं पर भी आपको मिलेगा, हमारी कंट्री में इतने एफर्ट्स करवाए जाते हैं कि बच्चे को मतलब 7वीं-8वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं, 11वीं-12वीं तक तो वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका होता है, और उसके बाद जब वो दुनिया में निकलता है तो उसे प्रेशर झेलने की आदत होती है।